नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं रश्क गौरी। लोकसभा चुनाव 2019 में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक रैली को संबोधित करते हुए सूबे की मुखिया ममता बनर्जी पर इस दौरान प्रधानमंत्री ने जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में एक स्पीड ब्रेकर है जिनको आप दीदी के नाम से जानते हैं। दीदी को गरीबों की चिंता नहीं है, आखिर दीदी को गरीबी की राजनीति करनी है। वो गरीबी खत्म करने के लिए कैसे काम कर सकती हैं? अगर गरीबी ही खत्म हो जाएगी तो दीदी की पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। इससे पहले पीएम मोदी ने बुधवार को अरुणाचल प्रदेश में एक रैली को भी संबोधित किया। ये आपकी चेतावनी दीदी तक पहुंच गई है, प्यार दीदी की नींद हराम कर देगा। अगर आप इजाजत दें तो मैं बोलना जारी रखूं। बोलूं क्या? लेकिन आप इतने नारे फुला रहे हो, आपका उत्साह इतना जबरदस्त है कि मेरे लिए बोलना भी मुश्किल है। ऐसा प्यार बंगाल मुझे दे रहा है, मैं सर झुका करके नमन करता हूं भाइयों। ये भाजपा एनडीके की सरकार है जिसने गरीब और मध्यम वर्ग के जीवन पर उसने जो कमाई को उसको लूटने से बचाने के लिए रेरा का कानून बनाया। मुख्यमंत्री बघेल सोशल मीडिया